अच्छा हमारे बीच में साहिल अरोरा जी आए हैं। अच्छा साथियों, इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और हमारी जो बातें चल रही है, जो रैशनलिटी की बातें, उसको आगे बढ़ाएं। तो साहिल अरोरा जी, आप बताइए, हेलो स्वागत है सर। आपका। हाँ हेलो हेलो। सर, आई एम साहिल, मैं दिल्ली से हूँ हाँ जी, जी। क्या आप पढ़ रहे हैं? मैं 7th ईयर का हूँ, मैं स्टडी 11th क्लास में। हाँ जी सर, जी सर, ओके, मैंने आपकी बोलिए। वीडियो जी मैंने आपकी वीडियो देखी थी, कृष्ण की, कृष्ण जी के ऊपर बनाई थी और राम के ऊपर भी बनाई थी आपने वीडियो, तो मैं उसमें डिबेट करना चाहूँगा आपसे। आप 18 प्लस हाँ है ना? बोलिए जी 18 प्लस है ना आप? नहीं, जी 18 प्लस तो नहीं होंगे ना, अभी 11th क्लास में है ना। नहीं, मैं 12th में आ गया हूँ अब। हाँ नहीं लेकिन नहीं 18 तो मतलब 18 साल पूरे नहीं हुए ना आपके। यस सर, बस 17 1 साल। कोई बात नहीं, बोले जहाँ पे मतलब हो सकेगा उतनी बात करेंगे। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सर आपने वीडियो बनाई थी, आप किस टॉपिक पर डिबेट करना चाहेंगे, किस टॉपिक के ऊपर? जैसे राम के ऊपर भी आपने बनाई थी, कृष्ण के ऊपर भी बनाई थी परसों नहीं, आपने वीडियो में। आपका आपका जो क्वेश्चन है या आपका जो आर्गुमेंट है वो रखिए ना सर, हम कैसे अभी जी सामने से बताएं, आप ही बताइए। उनको आपसे डिबेट करना है भाई, वो डिबेट करना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, लेकिन उनके डिबेट के लिए उनका क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ना, वो अपने क्वेश्चन रखे। और हो सके साहिल जी तो थोड़ा अपना माइक सही करें, क्योंकि आपकी आवाज़ में कुछ लाइन पंच में आती है, कुछ कम नहीं है, कम आती है। तो सही ओके करें सर, और बोले, आप क्या कहना ओके चाहोगे। सर, अब आ रही है सही आवाज़ सर? जी हाँ बोलिए। जैसे आपने राम के ऊपर बनाई थी एक वीडियो, जैसे राम ने जब सीता माता चली गई थी, रावण उठा के ले गया था, तो राम जी ने एक वर्ड बोला था, जैसे लाल गोल, ऐसे लाल चंदन, ऐसा बोला था ना उन्होंने, क्या सर इसके ऊपर क्या हुआ? इसमें बोला था राम जी ने बोल दिया ये वर्ड कि गो उसके तनों पे लाल चंदन लगाकर कोई खून से भीग गए होंगे। जी सर, इसमें हाँ तो आप, कोई इतनी बड़ी हाँ बात है? इसमें देखिए ये बात, अगर आप सोचे आप 18 प्लस नहीं है, लेकिन अब आप क्वेश्चन ऐसा लाए हैं और आप अभी बायोलॉजी तो पढ़ते ही होंगे शायद, तो आई जी होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को या अपने किसी नज़दीकी बड़े भाई को या उसको इस कैरेक्टर में लेके आके देखे कि उसका उसकी जो वाइफ है उसका अपहरण हो चुका है, किडनैप हो चुकी है वो। ऐसे टाइम पे कौन बंदा ये सोच पाएगा कि मेरी उस पत्नी के स्तन जो रक्त चंदन से कभी चर्चित होते थे, आज उसी वो रक्त के सने हुए हैं। ऐसा कौन जी सोच पाएगा? क्या आप अगर एक सीरियस एग्ज़ाम गिवर हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप एक सीरियस एग्ज़ाम देने वाले बंदे हैं, और आपका बीच एग्ज़ाम के बीच क्या आप ऐसी कोई चीज़ सोच पाते हैं? मतलब आपका दिमाग चलता है ऐसी चीज़ों में, या आप फोकस्ड होते हो कि नहीं मुझे पेपर लिखना है? यहाँ पे किडनैपिंग का पेपर खुला है और वहाँ पे जो लिखने वाले हैं वाल्मीकि जी, वो ऐसा लिख रहे हैं कि यार रक्त से सने हुए छाती वगैरह। कौन ऐसा सोच पाएगा? पहले आज आप ही सोचो, आपके घर पे से कोई भी आपका नज़दीकी रिश्तेदार किडनैप होता है तो आप उसके शरीर के वैभव का उल्लास मनाएंगे, या फिर आप सीधा पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, चार जगह और दौड़ेंगे कैसे बचा लूँ उनको? ये इतना बताइए जी मुझे, सर, सिर्फ आपकी बात नॉर्मल सही है सर, साइकोलॉजी की बात है। जी आपकी बात सही है सर। सर पर वहाँ का जब देखिए, जब उस वो तो देखिए एटमॉस्फेयर, जब राम जी की पत्नी हरण हो गई थी, उसके बाद सर राम जी वही के ना, ऊपर क्या बीती? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, एटमोसफियर देखिए, टेंशन है वहां पे, और युद्ध ऐसे हुआ है। टेंशन के नहीं, युद्ध तो अभी बाकी है, लेकिन आपकी पत्नी को अगर, चलिए मेरे पे लेता हूँ, मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया, तो क्या मैं वहां पे वो कैसी दिखती है उस पे सोचूंगा, कि ये सोचूंगा कि मुझे उसको कैसे बचाना है? टेंशन भरा माहौल होगा ना सर। जी सर, पर ऐसा राम जी बोल तो सकते हैं, जैसे राम देखे मेरी सीता के ऊपर अगर ऐसे ऐसा खून राम से अगर आपके हिसाब से वो राम जी ऐसा बोल सकते हैं, तो हम भी ये बोल सकते हैं कि ये कोई अनुचित है। भगवान वाली, ये कोई भगवान वाली बात नहीं हुई, ये जी एक सर, नॉर्मल इंसान वाली भी बात नहीं हुई, मतलब हाँ नॉर्मल इंसान वाली भी बात नहीं हुई, क्योंकि मतलब
मेरा कोई अपना इस तरह किडनैप हुआ हो तो मैं तो टेंशन में होऊंगा, और मैं ये सोचूंगा कि उसने खाया तो होगा ना, उसको पानी तो मिला होगा ना, वो सही तो होंगी ना, ये सोचेंगे हम, ये नहीं सोचेंगे कि वो यस कैसी दिखती है या दिखता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अब आप ये वाला तो क्लियर हो गया सर। और एकता कृष्ण ये वस्त्र हरण की है, उसके ऊपर मैं पॉइंट रखना चाहूंगा थोड़े बहुत। बोलिए। जी देखिए सर, जिसने आप जिसके वस्त्र कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे वो कुमारियां थी, उसमें लिखा भी हुआ है कुमारियां गोपियां थी। और कुमारी मतलब होता है कि वो 5 साल की उम्र की थी, और 5 साल की उम्र के बच्चों को तो बोध भी नहीं होता कि स्त्री कौन है पुरुष में, और कृष्ण भी छोटे से थे। तो उसमें एक पॉइंट हो गया, ठीक है सर। और दूसरा पॉइंट, वो तो भगवान है, तो भगवान की लीलाएं ऐसी होती अरे सर सर, बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही है। ठीक है, जब तक आप वहां से कुत्तों को भगा ले तब तक पहला पॉइंट जो आपका है कि वो कुमारी काय थी। देखिए बेसिकली ये काल्पनिक ग्रंथ है, काल्पनिक कहानियां हैं, तो वहां पे कभी कृष्ण को 5 से 8 साल का किशोर बताया जाता है, और वहीं पे वो माया का विस्तार करके कभी भी युवा अवस्था में जाके राधिका जी के साथ अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करके करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये ओरिजिनल लाइफ में ये नहीं हो सकता, और चमत्कार में ये हो सकता है, लेकिन चमत्कार ही नहीं होता तो ये भी अपने आप ही इसका छेद उड़ जाता है, ये बात अपने आप को काट देती है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आई होप पीछे आवाज़ नहीं आएगी। हाँ साहिल जी वेदों के बोलिए। मंत्र थे जी सर। और सर दूसरा दूसरा पॉइंट कि सर, हाँ यार, 1 मिनट थोड़ा ये इसमें बता देता हूँ मैं भी थोड़ा यार, और तो कोई आता ही नहीं बात करने, चलो आप ही से कर लेते हैं। वो छोटी बच्चियां थी जिनके कपड़े लेके भाग रहे जी थे, जी छोटी कुमारियां बच्ची कपड़े लेके जी। भागना तो और ज्यादा बुरी बात है यार, पिडोफिलिया में सर आता है एक ये पॉइंट, तो। सर एक पॉइंट और है हमें सर, बस हमें हाँ थोड़ा टाइम बताओ। दीजिए। हाँ जब देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब हम नहाते हैं ना तो हमें ना देखिए हवा में भी आत्माएं हैं, पानी में भी आत्माएं हैं, वायु में भी क्या क्या आत्माएं है, हैं। क्या है, हवा में आत्माएं, आत्मा आत्मा होती है ना आत्मा सर। है, हवा में और पानी में भी आत्मा अच्छा है। अच्छा जी होती अच्छा है। और देखिए जब हम लिक्विड नहाते हैं एक ना, एक हमारे एक गैसेस होती है, एक लिक्विड बोलने दो होती है सर आत्मा। कहाँ और हमारे जब हम नहाते हैं ना, हमारे पितर हमें देख रहे होते कहाँ हैं सर, ठीक है। और हमारे आत्माएं? यहाँ अच्छा, जब हम नहाते तो सर, हमारे पितर दिखते रहते हैं। यस सर, शास्त्रों में बताया। और हवा में भी आत्माएं हैं, वायु में भी और है, जल कहाँ में पे भी हैं? हैं सर, हमारे आकाश में भी शरीर के हैं अंदर हैं। सर। एक ही आत्मा है शरीर के अंदर तो, और हमारे शरीर नहीं के बाहर में है, सर है सर, वायु में भी होती हैं आत्माएं, मतलब आत्मा हर चीज में है, जी हम जब पोटी जी करते हैं उसमें है, नहीं सर। पोटी में नहीं है। अच्छा, एक मिनट यस अमित सर जी, सॉरी, बीच में एक चीज कहना चाहता हूँ। साहिल जी, आपने बोला कि हमारे शरीर में तो एक ही आत्मा होती है, तो ये जो आत्मा से ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, जिसको भूत आया ऐसा कह के कई कई स्पेशल मंदिर होते हैं वहां पे लेके जाते हैं, वहां पे आप क्या कहेंगे सर? एक शरीर के अंदर दो आत्मा तो धर्म ही लेके आता है। नहीं सर, जैसे आत्माएं होती हैं, देख रही होती हैं नहाते हुए, तो है ना हमें ढक के नहाना चाहिए हमेशा, हमें नीव वस्त्र अच्छा, होके मतलब बिना हम कपड़ों के जब नहीं नहा नहाना रहे होते चाहिए हैं तो आत्माएं हमको देख रही होती, इसलिए ढक के सर। नहाना मैं 2 मिनट चाहिए। लूंगा, 2 मिनट में पूरा क्लियर करना चाहूंगा सर, इसलिए हाँ कृष्ण हाँ ने पूरा क्लियर गोपियों कर दो को इसको। हाँ, ये ही वाला पनिशमेंट के पॉइंट रूप में, क्लियर पनिशमेंट कर दो ना। के रूप में उनके कपड़े चुरा लिए सर। ठीक है सर पनिशमेंट। अच्छा, जी। तो इससे अच्छा, वो कहा था, आपने इन्होंने कहा। गोपियों को कहा भी, वस्त्र देते हुए हाँ कहा हाँ भी कि आगे से ये मत करना, ठीक है, तुम्हें देख रही होते आगे से आप क्या मत करना, ये बिना कपड़ों के नहाना, तो वस्त्र चुराते आगे हुए से इससे बिना भी ना कपड़ों के वह तुम मत नहाना, ऐसा बोला उन्होंने। बिना कपड़े जी सर, जल में अच्छा ऐसे हाँ हाँ नहीं बस नहाना बस बहुत साहिल अच्छा। जी, एक साहिल मिनट जी, सर, एक मिनट साहिल जारवी सर ओके प्लीज। ओके बैंकुट भाई में आपने कहा, हाँ नहीं साहिल भैया सुनो मेरे छोटे भाई, प्यारे भाई, देखो जी आप सर बोल रहे हो कि आत्माएं होती हैं हर जगह, पितर हमको देखते रहते हैं, ठीक है, देखते हैं नहाते इसलिए, हुए हाँ ना इसलिए जब हम नहाते रहते हैं तो हमको अपने आप को ढक के नहाना चाहिए,
और जी सर, चूंकि वो गोपियां नंगी नहारी थी तो भगवान कृष्ण को लगा कि भाई इनको सजा देना चाहिए, तो उनका कपड़ा चोरी करके भाग गए और बोले कि अगली बार तुम लोग कपड़ा पहन के नहाना, ऐसा है ना। यस सर, ट्री पे अच्छा, अब बैठते आप हैं मेरे को ये बताओ, भैया सुनो ना मेरे प्यारे भाई, ये जी। बताओ आपको भी पितर लोग देखते होंगे, यस सर, तो तुम आप जब देख नहाते हो तो कपड़ा पहन के नहाते हो कि नंगे नहाते हो? जी, मैं तो कपड़े कपड़े पहन के आप कपड़े पहन के नहा लेते हो? जी सर, कपड़े पहन के भी आनी थी, जैसे एक इस जैसे बताया गया कि शास्त्र में एक पतला सा हाँ, कपड़ा लपेट के स्त्री को, अच्छा और आप एक मर्द पतला सा जो कपड़ा पुरुष अपने होते ऊपर हैं, लपेटते हो और फिर वैसे नहा लेते हो? नहीं सर, और पुरुषों को हाँ बताया मेल को कि वो लंगोट में हाँ भी नहा सकते हैं अच्छा, लंगोट में नहा लेते हो आप? जी। तो इससे जो अमित जी, पितर मुझे लोग चांस हैं देंगे यार, सर आप लोग रुको ना, आप तो इतना पूरा स्ट्रीम कट डाले सर। लेकिन ऐसे बंदे नहीं आए थे अभी तक अच्छा ये बताओ यार, ये पितर लोग क्यों देखते हैं हमको ऐसे? मतलब उनको ऐसा नहीं कि हम नहाने जा रहे हैं यार बंदा, या हगने जा रहे हैं, तो उस समय मत देखो आप उसको, बाहर निकल जाओ। नहीं मतलब सिर्फ एक बात। जिज्ञासा आई है भाई, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, मतलब क्यों नहीं हमारे सर, पितर लोग इतने बेशरम टाइप अच्छा के? उससे पहले भी एक क्वेश्चन, साहिल जी, अभी आप ये यहाँ पे जुड़े स्ट्रीम पे, सच सच यस बताना, सर, अकेले अकेले घर के लोगों के सामने जुड़े हो कि अकेले रूम में बैठे हो या छत पे हो, कहाँ अकेले पे सर, हो? अकेला अकेला तो अगर आपके घर वाले ये कहते, मतलब आपको ऐसा सिखाया गया कि लंगोट पहन के नहाओ, नंगे मत नहाओ, तो मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड फैमिली है, तो उनको पता चलेगा कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? नहीं सर, मैं नहीं पता सर, फैमिली मेरे फैमिली नहीं में मतलब इतने आपको ये रिस्ट्रिक्टिव वो नहीं है, मैं मेरा नेचुरली अटैचमेंट है शास्त्रों से, या जो हमारा हिंदी सनातन धर्म से, मैं इस कौन से भी जुड़ा हूँ ना सर। तो आपको दोस्त, आपको गलत बातें कुछ सिखाई जा रही है, प्लीज आप हो सके तो यू टर्न ले ले। और आप किस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, 11वीं कक्षा में? सर 12th में आ गए इस साल, हाँ मतलब हाँ, लेकिन साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, किस में पढ़ रहे हैं आप? कॉमर्स कॉमर्स है ओके हाँ, तो मैं आपका दोष नहीं ज़्यादा कह सकता क्योंकि आप कॉमर्स लाइन में हैं, लेकिन साथ में अगर मतलब एज ए शौक, शौकिया तौर पे साथ में साइंस पढ़ा करें, ये दकियानूसी बातें ना माने, अपने जीवन को ना बिगाड़ें। आप आज ये स्ट्रीम सर। कर, जो आप जो स्ट्रीम पे जुड़े हैं ना, वो साइंस की देन है, कोई कोई बैरागी बाबा या किसी मंत्र या किसी देवता की देन नहीं है। ओवर टू अमित जी। हाँ ठीक सलाह दे रहे हैं वैसे जारविस जी आपको, वो सही सलाह है, और मैं सर बड़े मैं दिल इस पे कौन से पत्थर भी रख के जो आपसे बात कर रहा हूँ यार, मैं क्या बताऊँ ज़्यादा आपसे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। आप अभी साहिल भाई अच्छा आप बहुत एक बार ना सर मतलब ऐसा सोचो, सोचो चलो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक मेंटल टास्क, सोचो। आज ही मैं कुछ अपने दोस्तों से शाम को बात कर रहा था इस पे। देखिए दुनिया में तकरीबन 5,000 रिलीजन है अभी अलाइव, समझे, जी लाखों सैकड़ों लाखों रिलीजन तो पैदा हुए मर भी गए ना, तकरीबन 65,000 साल हो गए हैं जब ह्यूमन माइग्रेशन हुआ है अफ्रीका से। अब उस पूरे दरमियान लाखों रिलीजन पैदा हुए मर गए, कहीं कोई कल्ट थे छोटे मोटे, उनकी कहानियां थी, उनके अपने गॉड्स थे, वो मर गए। हमारे अपने सामने में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें हम देखते हैं कि जो रोमन जो गॉड्स थे, ग्रीक गॉड्स थे, ये सब के सब जो रिलीजन है ये शुरू हुए और खत्म हो गए। हाँ मिलिंद सोनोने जी बोल रहे हैं, अरोरा जी के हिसाब से रेनकोट पहन के ना आना चाहिए। हाँ थैंक यू मिलिंद सोनोने जी आपका। हाँ आप चलो मैं एक आपको मेंटल टास्क देता हूँ, सोचिएगा ना इस पे, ठीक है? आप देखिए अभी दुनिया में 5,000 रिलीजन है, मान लो कि जिस गॉड को आप मानते हो, जिस भी गॉड को, अगर वो सच में है तो फिर 4,999 की जरूरत क्या है? इसको थोड़ा लेकिन सोचो आप, है सर, ना? आप यस एकदम से सर, मेरे को मत जवाब दो, आप नेक्स्ट टाइम फिर से स्ट्रीम में आ जाना, आप ये वाले नहीं सर, क्वेश्चन को सोचो। मैं आपको हाँ अभी बता सकता हूँ, बताइए बताओ।
सर देखिए, जैसे समय के साथ ना हाँ बदलती रहती है चीजें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, सनातन धर्म है हमारा, ये सनातन पहले से ही है और अभी पहले भी रहेगा, ठीक है। देखिए, जैसे बुद्ध आए थे, बुद्ध आए थे तो लोग ना, पहले के जब बुद्ध नहीं आए थे तो पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा वो हो गए थे, इंसान को इंसान मार रहा था, बहुत ज्यादा वॉयलेंस हो गया था। इसलिए भगवान ने अवतार लेके बुद्ध का किया, बुद्ध में शांति शांति का करने शुरू कर सर। जब शांति का होने शुरू हो गया तो देखा गया भगवान ने कि कुछ ज्यादा ही लोग शांति में जा रहे हैं, शांति में। तो वहां पर से उसके बाद काम शास्त्र ये भी कहा कि लोग दोबारा से आए और दोबारा से चले सृष्टि। तो ऐसे ऐसे समय के साथ बदलती रहती हैं चीजें, तो सनातन कैसे इसलिए बदलता है? आप नहीं समझे ना मेरा सवाल को। चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। चलो आज आपसे डिबेट नहीं करूंगा, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की चीज है, ठीक है? देखो आप बोल रहे हो कि आपका रिलीजन सनातन है, ठीक, हमेशा से रहता आया है, और आपके जो भगवान है वो वही सारी चीजों को क्रिएट किए हैं, क्रिएटर वही है, सोल क्रिएटर, ठीक है? आप ये मानते हो, है ना? आप ये भी मानते होगे जरूर, मैं जैसा मतलब मैं गैस कर रहा हूं, मगर आप मानते ही होगे कि पूरी सृष्टि में जो भी चीजें चल रही हैं भगवान की मर्जी के मुताबिक चल रही हैं, ठीक है ना? अच्छा जारवी सर, मेरी स्क्रीन शेयर कर पाओगे क्या आप, जी हाँ, जी हाँ, क्यों या नहीं। न्यूटन सर? न्यूटन जी तो अभी है ही नहीं। अच्छा, न्यूटन जी एड टू स्ट्रीम, सॉरी। हाँ, न्यूटन जी आप बाहर थे, आपका हाँ, ड्रॉप हो ये गए मेरी थे। स्ट्रीम को जी स्क्रीन को शेयर कर दीजिए, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ। देखो साहिल भाई, इसमें आप देख रहे हो एक टाइगर ना डियर को हंट कर रहा है, ठीक। अब ये टाइगर जो है अपने मन में सोच रहा है कि हे भगवान, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, और मैं अगर ये डियर को शिकार नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, तो हे भगवान ये डियर को मेरे को शिकार करवा दे। और डियर सोच रहा है कि हे भगवान, ये टाइगर मेरी जान के पीछे पड़ा है, अगर इसने पकड़ लिया तो मुझे खा जाएगा, तो हे भगवान मेरी जान बचा दे। आप ये बताओ कि आपके हिसाब से आपका ऑल पावरफुल गॉड, जिसकी मर्जी से सब कुछ चल रहा है, वो इन दोनों में से किसकी मदद करेगा? जी देखिए, मैं बताऊं सर। देखिए देखिए, हमारे सृष्टि में सर भगवान ने बनाया कैसे। अगर हिरन है, अगर हिरन को, टाइगर हिरन को नहीं खाएगा तो हिरन की ज्यादा आबादी बढ़ जाएगी, तो इसलिए ना ऑल्टरनेटिव बनाया लेकिन है। हिरन, जैसे एक डेट मिनट सुनो सुनो सुनो, तो आप बोल रहे हो टाइगर की मदद करेगा? ये देखिए, प्रकृति ऐसी बनाई गई है सर। आप ऐसा बोल रहे हो ना कि टाइगर की मदद करेगा, सर तो डियर के साथ में इंजस्टिस नहीं है? नहीं सर, तब तो फिर देखिए आपका देखिए भगवान उसकी मदद कर रहा है जो ज्यादा पावरफुल है। सर, इसमें मदद करने वाली बात नहीं है। इसमें ना एक प्रकृति है कि टाइगर खाता हिरन को है, शिकार है, तो मैं ऐसे आपसे करना, पूछ ऐसे रहा हूं, करना। दोनों, वो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, दोनों भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरी मदद कर। आप कह रहे हो कि फूड चेन बना दिया है भगवान ने, इसलिए टाइगर की ही मदद होगी। भाई फूड चेन बना के तो टाइगर की मदद हो गई ना, जी सर, तो सर फिर बनाए। इसका ये मतलब है कि जो डियर साहिल है जी, उसके अमित साथ जी ऐसा में कह रहे इनजस्टिस है। हैं, अमित जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर भगवान टाइगर को हेल्प करते हैं तो डियर के साथ इनजस्टिस है, अगर नहीं कर रहे हैं तो टाइगर के साथ भी इनजस्टिस हो गई डियर की जगह पे, क्योंकि उसको खाना नहीं मिला। इसका क्या क्वेश्चन, इसका आपके पास क्या जवाब है, बोलिए। इट्स रनिंग अराउंड ट्री, लाइक इट्स लाइक रनिंग अराउंड ट्री। आप बताओ, इसका आपके पास आंसर नहीं है सर। सर है सर, देखिए हाँ क्या अमित है सर ने बोलिए। बोला कि टाइगर हिरन को खा रहा है, मतलब इस पे पीछे खा रहा है, ठीक है सर। तो टाइगर हिरन, टाइगर की ऐसी प्रकृति बनाई गई जो हिरन को खाएगा सर। इसमें ये रिक्वेस्ट वाली कैसे बात आ गई, जैसे हिरन रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से, आप अगर नहीं भगवान का समझे वो मेरी पिछले बात जन्म में को, वो भक्त हो। प्रकृति बनाई, आप वही तो बोल रहा हूं, फूड चेन में टाइगर को ऊपर रख के ये कर दिया गया ना, हिरन के साथ में इनजस्टिस हो गई, तो ये कैसे भगवान है यार कि इनजस्टिस कर दिया? नहीं सर, देखिए देखिए, भगवान ने ना सबके ऑल्टरनेटिव बनाए। जैसे जैसे नाग है, जो होते हैं नाग, उनके बनाए कदरू, ठीक
ठीक है सर, तो जैसे देव है उनके बनाए असुर, ऐसे मतलब सर ने ऑल्टरनेटिव आप बनाया कि इधर सबका उधर मत ज्यादा ना जाओ, हो मेरे से पाए। देव असुर मत जाओ, आप सिर्फ इसी पिक्चर में देख के बताओ कि कैसे। अच्छा चलो एक काम करो, अगर ये डियर की जगह मैं किसी ह्यूमन को रख देता हूं, चलो जी अब वो टाइगर मैन ईटर तभी होता है जब टाइगर ओल्ड हो जाता है ना, जब वो तेज दौड़ के नहीं शिकार कर पाता। जी अब कोई ह्यूमन है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसके घर में, वो जंगल गया है लकड़ी काटने, जी वहां पे टाइगर को जिंदा रहने के लिए उस ह्यूमन को मारना पड़ेगा, और अगर ह्यूमन को मारेगा तो भाई ह्यूमन के साथ में इनजस्टिस है, ह्यूमन नहीं को सर, बचाएगा तो आप टाइगर के साथ इनजस्टिस है, अब कैसे होगा? सर देखिए, जैसे अगर आपने आपने एग्जांपल दिया कि आदमी अगर गया है जंगल में और टाइगर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, वो उसका निमित्त बन रहा है सिर्फ, उसकी पहले से कर्मों में होगा इंसान के कि वो निमित्त बनाए टाइगर उसको खाने के लिए, उसने वो कैसे आ गया क्या जस्टिस क्या वाली बात बात कर रही हो करने के यार लिए। आप, मतलब आप बोल रहे हो कि जिन लोगों को टाइगर खा जाता है उनका निमित्त है वो, मतलब वो उनके लिए पहले से लिखा गया है कि जी तेरे को तो टाइगर खा जाएगा, आप ऐसा बोल रहे हो? अमित जी एक सेकंड एक सेकंड, इसी के निमित्त ऊपर बनाए एक सर और कि बात। कल डेथ को को आप तो मतलब, पक्के वाले साहिल जी, आप तो पक्के वाले हिंदू है ना? सना जी नहीं, मैं सना हेलो, हिंदू नहीं असनातन जी है, असनातन ही है। अगर आपको कल को खुदा ना खास्ता कोई कोई रिलीजियस रायट हो जाए, कम्युनल रायट हो जाए, और आपके पीछे कोई मुसलमान पड़ जाए और आपको मार दे, तो वो आपके भगवान की इच्छा होगी कि आप मुसलमान के हाथों काटे जाएं? बताओ। कहाँ यहाँ पे आप, यहाँ पे आप कौन सी थियरी लगाएंगे ये समझाइए। बताओ। सर देखिए, जैसे मेरे कर्मों के नहीं नहीं हिसाब से अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसा है होगा, जारविस सर का, आप बताइए इसको। हाँ जी सर, जैसे मेरे कर्मों के हिसाब से होगा मेरा निमित्त, वो तो जो जो आप बात करें वो व्यक्ति, वो तो निमित्त बनेगा मेरे को मारने के लिए, मेरी मृत्यु इसी समय में लिखी होगी, अच्छा, तो वो तो इसका ये इसका मतलब निमित्त है कि है। आपके लिए आपके भगवान ने हर चीज तय कर दी है? प्रारब्ध तो होते हैं सर, प्रारब्ध, अगर कोई हाँ भक्त बनता है भगवान का तो भगवान अच्छा प्रारब्ध काट अच्छा देते हैं, उसको बचाते हैं। अमित जी सॉरी, और हाँ साहिल जी सॉरी, आप भी रुकिए, अमित जी भी, ये देखिए आपके लिए हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं, अमित एंड जारी सर बच्चे का रैगिंग लेना गलत बात, लेकिन प्यारे टुन्नी का आप दोनों ने क्लास लिए प्यार से, अच्छा है। देखिए सर, अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हाँ व्यूअर्स मैं भी आपके नहीं लिए करना परेशान हो चाहता। रहे हैं, तो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्ट्रीम में आप आइएगा, हम चाहते हैं कि आप छोटी उम्र में अच्छी जगह से आप आगे बढ़े। इतना बताइएगा साहिल जी सोच के कि इस, अभी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, हाउ मेनी रिलीजियस ऑन द अर्थ प्लैनेट, कम से कम आपको 4 से 5 हज़ार अलग अलग मिलेंगे, पेगन्स वगैरह छोटे छोटे धर्म। अगर कोई एक भगवान है, सोच लीजिए हमारे तो 33 करोड़ में से कोई एक ही सच्चा होगा, या एक और, या 33 तो है ही नहीं, मतलब तो या नहीं तो सर, हमारा सर सच है या अल्लाह। क्लियर एक करो सेकंड, इसको। या तो ओके सर, एक सेकंड साहिल जी एक सेकंड, हम तो आपको सुनते हैं ना, आपको काट नहीं रहे, बीच में मत बोलिए। या तो हिंदू का भगवान सच है, या मुसलमान का अल्लाह, या यहोवा यहूदियों का, या जीसस क्रिश्चियनिटी का, या सिख के कोई नानक साहब, कोई भी एक ही सही होगा, सब तो सही नहीं हो सकते वरना ये आपस में लड़ेंगे, ठीक है? तो अगर कोई एक सही है तो वो सबको एक जैसा सबको क्यों नहीं दिखाई दिया, सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया, सबको एक जैसे कल्चर और रिवाज क्यों नहीं दिए गए, इसके ऊपर सोचिएगा। क्या आपने बनाए हुए अपने भगवान अल्लाह जीसस गॉड खुदा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, मतलब क्या उसके सब पावर में कुछ प्रॉब्लम है कि वो हर जगह एक समान नहीं दिख रहे, इसके ऊपर सोचिएगा। चलिए साहिल जी, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, सर आते रहना, और अब सर वक्त आते से रहना, मैं इसका आइएगा सर एक जरूर, बार, आप सर मैं नेक्स्ट एक टाइम आ बार जाना प्लीज साहिल भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट।